लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन योगी कैबिनेट दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो कैबिनेट में दो प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सातवें वेतन आयोग के एरियर भुगतान को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अन्य योजनाएं चल रही हैं, उससे भी योगी आदित्यनाथ ने रूबरू करवाया। सरकार के 6 महीने पूरे होने पर राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये मंजूरी दी। अवैध शराब के कारोबार पर अब लगाम लगेगी, इसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें सातवें वेतन आयोग के एरियर और ये जो अवैध शराब है इसको लेकर के मंजूरी दी गई है।